बैंगन, कुमड़ा, करेली, तरबूज और कैरेट, ये फल कार्तिक में त्याग दे। एक से अधिक बार पकाया अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इस प्रकार उत्तम रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला अनंत पुण्यों का भागी होता है। यहाँ उत्तम पुत्र नाति धन धान्य को प्राप्त करके अंत में वैकुंठ हो जाता है। यमदूत उनका नाम सुनकर कांप जाते हैं। कार्तिक में व्रत करने वाले को 100 यज्ञों के समान श्रेष्ठ फल मिलता है। इस व्रत को करने वाले को अन्य तीर्थों की आवश्यकता नहीं है। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमंतारा।